हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है रेड। रेड फिल्म की रिगार्डिंग मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, साथ ही में फिल्म से जुड़ी जो रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेड एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की अपराध थ्रिलर फिल्म है, मतलब जोन किशोर तिरुमाला द्वारा निर्देशित और श्री श्रावंती मूवीज द्वारा निर्मित है। इसमें निवेदा पेथुराज, मलविका शर्मा और अमृता अय्यर के साथ रामपोची ने दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। तमिल फिल्म तड़म 2019 की रीमेक है। यह एक हत्या की जांच का अनुसरण करती है जिसमें एक सिविल इंजीनियर और उसके हमशकल को प्रमुख संदिग्धों के रूप में शामिल किया गया है। तो बाद फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2 में की गई थी। इसकी मुख्य शूटिंग नवंबर 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। अधिकांश फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में की गई थी। दो गानों को छोड़कर जो इटली में शूट किए गए थे। रेड में संगीत मनी शर्मा ने दिया है जबकि समीर रेड्डी और जुनेद सिद्दीकी ने क्रमशः छायांकन और संपादन किए हैं। यह फिल्म 14 जनवरी 2021 को संक्रांति के अवसर पर कोविड-19 महामारी के कारण 9 अप्रैल 2020 की प्रारंभ रिलीज की तारीख से देरी होने के बाद रिलीज हुई थी। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रामपोती ने सिद्धार्थ और आदित्य के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। निवेदा पेथुराज SI यामिनी के रूप में है और महिमा के रूप में मालविका शर्मा सिद्धार्थ की प्रेमिका है और गायत्री के रूप में अमृता अय्यर आदित्य की प्रेमिका है। संपत राज CI नागेंद्र के रूप में है और वेनेला किशोर फोरेंसिक अधिकारी पुरुषोत्तम के रूप में है और यामिनी के एक तरफ प्रेमी है। तो बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो 13 मार्च 2019 को श्री श्रव इंती मूवीज़ के निर्माता श्रवण रवि किशोर ने अरुण विजय स्टारर थमन 2019 के रीमेक अधिकार खरीदे जिसमें रामपोती ने मुख्य भूमिका में है। हालांकि उन्होंने फिल्म के लिए अपनी अंतिम कॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे क्योंकि वह गोवा में फिल्म स्मार्ट शंकर 2019 की शूटिंग में व्यस्त थे जिसे अभी तमिल फिल्म भी देखना बाकी है। हालांकि यह अफवाह थी कि इसके मूल समकक्ष के निर्देशक मगिज थिरुमेनु इसके तेलुगु रीमेक का निर्देशन करना चाहते थे। किशोर तिरुमाला को इस परियोजना को चलाने के लिए साइन किया गया था। नेनू शैलजा 2016 के और रुद्राधिकारी कोकाटे जिंदगी 2017 के बाद यह फिल्म राम और तिरुमाला के तीसरे सहयोग को चाहते करते हैं। तो बात करें मूवी की फिल्म के बारे में तो फिल्म को 30 अक्टूबर 2019 को हैदराबाद के एक स्टूडियो में लॉन्च किया गया था और पूरी जगन्नाथ और चारमा में और कोर ने फिल्म के पहले शॉट पर ताली बजाई थी। हालांकि निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म की शूटिंग 16 नवंबर 2019 से शुरू होंगी। फिल्मांकन 2 दिन पहले शुरू हुआ था। फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफर पीटर हेन ने किया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो
फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम मोनी शर्मा द्वारा रचित है, जबकि जिसके बोल श्रीवेनेलम सीताराम शास्त्री, कसारालाम श्याम और कल्याण चक्रवर्ती द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म शर्मा का किशोर तिरुमाला के साथ सहयोग है। और आइए स्मार्ट शंकर 2019 के बाद राम के साथ दूसरा सहयोग है। तो बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो रेट को शुरू में 9 अप्रैल 2020 को पर थिएटर्स के रूप में रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड 19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इसे अफवाह सामने आ रही थी कि फिल्म का प्रीमियम एक ओवर द टॉप मीडिया सर्विस OTT पर हो सकता है। हालांकि राम ने पुष्टि की कि फिल्म एक थिएटर्स के रूप में रिलीज होंगी। रेट एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की अपराध थ्रिलर फिल्म है, मतलब जो किशोर तिरुमाला द्वारा निर्देशित और श्री श्रावंती मूवीज द्वारा निर्मित है। इसमें निवेदा पेथुराज, मलविका शर्मा और अमृता अय्यर के साथ राम पोची ने दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। तमिल फिल्म तड़म 2019 की रीमेक है। यह एक हत्या की जांच का अनुसरण करती है, जिसमें एक सिविल इंजीनियर और उसके हमशकल को प्रमुख संदिग्धों के रूप में शामिल किया गया है। तो बात फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2 में की गई थी। इसकी मुख्य शूटिंग नवंबर 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। अधिकांश फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में की गई थी। दो गानों को छोड़कर जो इटली में शूट किए गए थे। रेड में संगीत मनीष शर्मा ने दिया है, जबकि समीर रेड्डी और जुनेद सिद्दीकी ने क्रमश छायांकन और संपादन किए हैं। यह फिल्म 14 जनवरी 2021 को संक्रांति के अवसर पर कोविड 19 महामारी के कारण 9 अप्रैल 2020 की प्रारंभ रिलीज की तारीख से देरी होने के बाद रिलीज हुई थी। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो राम पुतिनी सिद्धार्थ और आदित्य के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। निवेदा पेथुराज SI यामिनी के रूप में है और महिमा के रूप में मालविका शर्मा सिद्धार्थ की प्रेमिका है और गायत्री के रूप में अमृता अय्यर आदित्य की प्रेमिका है। संपत राज CI नागेंद्र के रूप में है और वेनेला किशोर फोरेंसिक अधिकारी पुरुषोत्तम के रूप में है और एमिनी के एक तरफ प्रेमी है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 13 मार्च 2019 को श्री श्रवंती मूवीज के निर्माता श्रवण रवि किशोर ने अरुण विजय स्टारर थमन 2019 के रीमेक अधिकार खरीदे, जिसमें राम पुती ने मुख्य भूमिका में है। हालांकि उन्होंने फिल्म के लिए अपनी अंतिम कॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि वह गोवा में फिल्म स्मार्ट शंकर 2019 की शूटिंग में व्यस्त थे, जिसे अभी तमिल फिल्म भी देखना बाकी है। हालांकि यह अफवाह थी कि इसके मूल समकक्ष के निर्देशक मगीज थिरुमेनु इसके तेलुगु रीमेक का निर्देशन करना चाहते थे। किशोर तिरुमाला को इस परियोजना को चलाने के लिए साइन किया गया था। नेनू शैलजा 2016 और रुद्राधिकारी
कोकाटेन जिंदगी 2017 के बाद यह फिल्म राम और तिरुमाला के तीसरे सहयोग को चाहता करते हैं। तो बात करें मूवी की फिल्म के बारे में, तो फिल्म को 30 अक्टूबर 2019 को हैदराबाद के एक स्टूडियो में लॉन्च किया गया था और पूरी जगन्नाथ और चार्मो में और कोर ने फिल्म के पहले शॉट पर ताली बजाई थी। हालांकि निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म की शूटिंग 16 नवंबर 2019 से शुरू होंगी। फिल्मांकन 2 दिन पहले शुरू हुआ था। फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफर पीटर हेन ने किया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम मोनी शर्मा द्वारा रचित है, जबकि जिसके बोल श्रीवेनेलम सीताराम शास्त्री कसारालाम श्याम और कल्याण चक्रवर्ती द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म शर्मा का किशोर तिरुमाला के साथ सहयोग है। और आइए स्मार्ट शंकर 2019 के बाद राम के साथ दूसरा सहयोग है। तो बात करें मूवी की रिलीज डेट के बारे में, तो रेट को शुरू में 9 अप्रैल 2020 को पर थिएटर्स के रूप में रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड 19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। ऐसे अफवाह सामने आ रही थी कि फिल्म का प्रीमियम एक ओवर द टॉप मीडिया सर्विस OTT पर हो सकता है। हालांकि राम ने पुष्टि की कि फिल्म एक थिएटर्स के रूप में रिलीज होंगी। रेट 1 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की अपराध थ्रिलर फिल्म है, मतलब जो किशोर तिरुमाला द्वारा निर्देशित और श्री श्रावंती मूवीज द्वारा निर्मित है। इसमें निविदा पेथुराज मलविका शर्मा और अमृता अय्यर के साथ राम पोची ने दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। तमिल फिल्म तड़म 2019 की रीमेक है। यह एक हत्या की जांच का अनुसरण करती है, जिसमें एक सिविल इंजीनियर और उसके हमशकल को प्रमुख संदिग्धों के रूप में शामिल किया गया है। तो बात फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2 में की गई थी। इसकी मुख्य शूटिंग नवंबर 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। अधिकांश फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में की गई थी। दो गानों को छोड़कर जो इटली में शूट किए गए थे। रेड में संगीत मनी शर्मा ने दिया है, जबकि समीर रेड्डी और जुनेद सिद्दीकी ने क्रमश छायांकन और संपादन किए हैं। यह फिल्म 14 जनवरी 2021 को संक्रांति के अवसर पर कोविड 19 महामारी के कारण 9 अप्रैल 2020 की प्रारंभ रिलीज की तारीख से देरी होने के बाद रिलीज हुई थी। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो राम पोची ने सिद्धार्थ और आदित्य के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। निवेदम पेथुराज SI यामिनी के रूप में है और महिमा के रूप में मालविका शर्मा सिद्धार्थ की प्रेमिका है और गायत्री के रूप में अमृता अय्यर आदित्य की प्रेमिका है। संपत राज CI नागेंद्र के रूप में है और वेनेला किशोर फोरेंसिक अधिकारी पुरुषोत्तम के रूप में है और एमिनी के एक तरफ प्रेमी है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 13 मार्च 2019 को श्री श्रवंती मूवीज के निर्माता श्रवण रवि किशोर ने अरुण विजय
स्टारर थमन 2019 के रीमेक अधिकार खरीदे, जिसमें राम पुती ने मुख्य भूमिका में नहीं। हालांकि उन्होंने फिल्म के लिए अपनी अंतिम कॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि वह गोवा में फिल्म स्मार्ट शंकर 2019 की शूटिंग में व्यस्त थे, जिसे अभी तमिल फिल्म भी देखना बाकी है। हालांकि यह अफवाह थी कि इसके मूल समकक्ष के निर्देशक मगीज थिरुमेन इसके तेलुगु रीमेक का निर्देशन करना चाहते थे। किशोर तिरुमाला को इस परियोजना को चलाने के लिए साइन किया गया था। नेनु शैलजा 2016 के और रुद्राधिकारी कोकाटे जिंदगी 2017 के बाद यह फिल्म राम और तिरुमाला के तीसरे सहयोग को चाहते करते हैं। तो बात करें मूवी की फिल्म के बारे में, तो फिल्म को 30 अक्टूबर 2019 को हैदराबाद के एक स्टूडियो में लॉन्च किया गया था और पूरे जगन्नाथ और चारमो में और कोर ने फिल्म के पहले शॉट पर ताली बजाई थी। हालांकि निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म की शूटिंग 16 नवंबर 2019 से शुरू होंगी। फिल्मांकन 2 दिन पहले शुरू हुआ था। फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफर पीटर हेन ने किया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम मोनी शर्मा द्वारा रचित है, जबकि जिसके बोल श्रीवेनेला सीताराम शास्त्री, कसारालाम श्याम और कल्याण चक्रवर्ती द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म शर्मा का किशोर तिरुमाला के साथ सहयोग है और आइए स्मार्ट शंकर 2019 के बाद राम के साथ दूसरा सहयोग है। तो बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो रेट को शुरू में 9 अप्रैल 2020 को पर थिएटर्स के रूप में रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड 19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इसे अफवाह सामने आ रही थी कि फिल्म का प्रीमियम एक ओवर द टॉप मीडिया सर्विस OTT पर हो सकता है। हालांकि राम ने पुष्टि की कि फिल्म एक थिएटर्स के रूप में रिलीज होंगी। रेट 1 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की अपराध थ्रिलर फिल्म है, मतलब जो किशोर तिरुमाला द्वारा निर्देशित और श्री श्रावंती मूवीज द्वारा निर्मित है। इसमें निवेदा पेथुराज, मलविका शर्मा और अमृता अय्यर के साथ राम पोची ने दोहरी भूमिका है भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। तमिल फिल्म तड़म 2019 की रीमेक है। यह एक हत्या की जांच का अनुसरण करती है, जिसमें एक सिविल इंजीनियर और उसके हमशकल को प्रमुख संदिग्धों के रूप में शामिल किया गया है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2 में की गई थी। इसकी मुख्य शूटिंग नवंबर 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। अधिकांश फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में की गई थी। दो गानों को छोड़कर जो इटली में शूट किए गए थे। रेड में संगीत मनी शर्मा ने दिया है, जबकि समीर रेड्डी और जुनेद सिद्दकी ने क्रमश छायांकन और संपादन किए हैं। यह फिल्म 14 जनवरी 2021 को संक्रांति के अवसर पर कोविड 19 महामारी के कारण 9 अप्रैल 2020 की प्रारंभ रिलीज की तारीख से देरी होने के बाद रिलीज हुई थी। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो
राम पुतिनी सिद्धार्थ और आदित्य के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। निवेथम पेथुराज एस आई यामिनी के रूप में है और महिमा के रूप में मालविका शर्मा सिद्धार्थ की प्रेमिका है और गायत्री के रूप में अमृता अय्यर आदित्य की प्रेमिका है। संपत राज सी आई नागेंद्र के रूप में है और वेनेला किशोर फोरेंसिक अधिकारी पुरुषोत्तम के रूप में है और एमिनी के एक तरफ प्रेमी है। तो बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 13 मार्च 2019 को श्री श्रवंती मूवीज़ के निर्माता श्रवण रवि किशोर ने अरुण विजय स्टारर थमन 2019 के रीमेक अधिकार खरीदे, जिसमें राम पुतिनी मुख्य भूमिका में है। हालांकि उन्होंने फिल्म के लिए अपनी अंतिम कॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे क्योंकि वह गोवा में फिल्म स्मार्ट शंकर 2019 की शूटिंग में व्यस्त थे, जिसे अभी तमिल फिल्म भी देखना बाकी है। हालांकि यह अफवाह थी कि इसके मूल समकक्ष के निर्देशक मगीज थिरुमेन इसके तेलुगु रीमेक का निर्देशन करना चाहते थे। किशोर तिरुमाला को इस परियोजना को चलाने के लिए साइन किया गया था। नेनु शैलजा 2016 के और रुद्राधिकारी कोकाटे जिंदगी 2017 के बाद यह फिल्म राम और तिरुमाला के तीसरे सहयोग को चाहते करते हैं। तो बात करें मूवी की फिल्म के बारे में, तो फिल्म को 30 अक्टूबर 2019 को हैदराबाद के एक स्टूडियो में लॉन्च किया गया था और पूरे जगन्नाथ और चारमा में और कोर ने फिल्म के पहले शॉट पर ताली बजाई थी। हालांकि निर्माताओं ने घोषणा कि फिल्म की शूटिंग 16 नवंबर 2019 से शुरू होंगी। फिल्मांकन 2 दिन पहले शुरू हुआ था। फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफर पीटर हेन ने किया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम मोनी शर्मा द्वारा रचित है, जबकि जिसके बोल श्रीवेनेला सीताराम शास्त्री कसारालाम श्याम और कल्याण चक्रवर्ती द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म शर्मा का किशोर तिरुमाला के साथ सहयोग है और आई एस स्मार्ट शंकर 2019 के बाद राम के साथ दूसरा सहयोग है। तो बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो रेट को शुरू में 9 अप्रैल 2020 को पर थिएटर्स के रूप में रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड 19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। ऐसे अफवाह सामने आ रही थी कि फिल्म का प्रीमियम एक ओवर द टॉप मीडिया सर्विस OTT पर हो सकता है। हालांकि राम ने पुष्टि की कि फिल्म एक थिएटर्स के रूप में रिलीज होंगी। रेट 1/2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की अपराध थ्रिलर फिल्म है, मतलब जो किशोर तिरुमाला द्वारा निर्देशित और श्री श्रावंती मूवीज द्वारा निर्मित है। इसमें निवेदा पेथुराज मलविका शर्मा और अमृता अय्यर के साथ राम पुतिनी दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। तमिल फिल्म तड़म 2019 की रीमेक है। यह एक हत्या की जांच का अनुसरण करती है, जिसमें एक सिविल इंजीनियर और उसके हमशकल को प्रमुख संदिग्धों के रूप में शामिल किया गया है।
बाद फिल्म की घोषणा अक्टूबर में की गई थी। इसकी मुख्य शूटिंग नवंबर 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। अधिकांश फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में की गई थी। दो गानों को छोड़कर जो इटली में शूट किए गए थे, रेड में संगीत मनी शर्मा ने दिया है, जबकि समीर रेड्डी और जुनेद सिद्दीकी ने क्रमश छायांकन और संपादन किए हैं। यह फिल्म 14 जनवरी 2021 को संक्रांति के अवसर पर कोविड 19 महामारी के कारण 9 अप्रैल 2020 की प्रारंभ रिलीज की तारीख से देरी होने के बाद रिलीज़ हुई थी। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो राम पुतिनी सिद्धार्थ और आदित्य के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। निवेथम पेथुराज एस आई यामिनी के रूप में है और महिमा के रूप में मालविका शर्मा सिद्धार्थ की प्रेमिका है और गायत्री के रूप में अमृता अय्यर आदित्य की प्रेमिका है। संपत राज सी आई नागेंद्र के रूप में है और वेनेला किशोर फोरेंसिक अधिकारी पुरुषोत्तम के रूप में है और एमिनी के एक तरफ प्रेमी है। तो बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 13 मार्च 2019 को श्री श्रवंती मूवीज़ के निर्माता श्रवण रवि किशोर ने अरुण विजय स्टारर थमन 2019 के रीमेक अधिकार खरीदे, जिसमें रामपुती ने मुख्य भूमिका में है। हालांकि उन्होंने फिल्म के लिए अपनी अंतिम कॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि वह गोवा में फिल्म स्मार्ट शंकर 2019 की शूटिंग में व्यस्त थे, जिसे अभी तमिल फिल्म भी देखना बाकी है। हालांकि यह अफवाह थी कि इसके मूल समकक्ष के निर्देशक मगिज थिरुमेनु इसके तेलुगु रीमेक का निर्देशन करना चाहते थे। किशोर तिरुमाला को इस परियोजना को चलाने के लिए साइन किया गया था। नेनु शैलजा 2016 के और रुद्राधिकारी कोकाटे जिंदगी 2017 के बाद यह फिल्म राम और तिरुमाला के तीसरे सहयोग को चाहते करते हैं। तो बात करें मूवी की फिल्म के बारे में, तो फिल्म को 30 अक्टूबर 2019 को हैदराबाद के एक स्टूडियो में लॉन्च किया गया था और पूरी जगन्नाथ और चार्मा में और कोर ने फिल्म के पहले शॉट पर ताली बजाई थी। हालांकि निर्माताओं ने घोषणा कि फिल्म की शूटिंग 16 नवंबर 2019 से शुरू होंगी। फिल्मांकन 2 दिन पहले शुरू हुआ था। फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफर पीटर हेन ने किया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम मनी शर्मा द्वारा रचित है, जबकि जिसके बोल श्रीवेनेला सीताराम शास्त्री कसारालाम श्याम और कल्याण चक्रवर्ती द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म शर्मा का किशोर तिरुमाला के साथ सहयोग है और आई ए स्मार्ट शंकर 2019 के बाद राम के साथ दूसरा सहयोग है। तो बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो रेड को शुरू में 9 अप्रैल 2020 को पर थिएटर्स के रूप में रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड 19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। ऐसे अफवाह सामने आ रही थी कि फिल्म का प्रीमियम एक ओवर द टॉप मीडिया सर्विस OTT पर हो सकता है। हालांकि राम ने पुष्टि की कि फिल्म एक थिएटर्स के रूप में रिलीज होंगी। रेट एक 2022 की
भारतीय तेलुगु भाषा की अपराध थ्रिलर फिल्में, मतलब जोन किशोर तिरुमाला द्वारा निर्देशित और श्री श्रावंती मूवीज द्वारा निर्मित हैं। इसमें निवेदा पेथुराज, मलविका शर्मा और अमृता अय्यर के साथ राम पोचिनी दोहरी भूमिका है भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। तमिल फिल्म तड़म 2019 की रीमेक है। यह एक हत्या की जांच का अनुसरण करती है जिसमें एक सिविल इंजीनियर और उसके हमशकल को प्रमुख संदिग्धों के रूप में शामिल किया गया है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2 में की गई थी। इसकी मुख्य शूटिंग नवंबर 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। अधिकांश फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में की गई थी। दो गानों को छोड़कर जो इटली में शूट किए गए थे, रेड में संगीत मनी शर्मा ने दिया है जबकि समीर रेड्डी और जुनेद सिद्दीकी ने क्रमशः छायांकन और संपादन किए हैं। यह फिल्म 14 जनवरी 2021 को संक्रांति के अवसर पर COVID-19 महामारी के कारण 9 अप्रैल 2020 की प्रारंभ रिलीज की तारीख से देरी होने के बाद रिलीज हुई थी। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राम पोचिनी सिद्धार्थ और आदित्य के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। निवेदा पेथुराज SI यामिनी के रूप में है और महिमा के रूप में मालविका शर्मा सिद्धार्थ की प्रेमिका है और गायत्री के रूप में अमृता अय्यर आदित्य की प्रेमिका है। संपत राज CI नागेंद्र के रूप में है और वेनेला किशोर फोरेंसिक अधिकारी पुरुषोत्तम के रूप में है और एमिनी के एक तरफ प्रेमी है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो 13 मार्च 2019 को श्री श्रवंती मूवीज के निर्माता श्रवण रवि किशोर ने अरुण विजय स्टारर थमन 2019 के रीमेक अधिकार खरीदे जिसमें राम पोचिनी ने मुख्य भूमिका में है। हालांकि उन्होंने फिल्म के लिए अपनी अंतिम कॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे क्योंकि वह गोवा में फिल्म स्मार्ट शंकर 2019 की शूटिंग में व्यस्त थे जिसे अभी तमिल फिल्म भी देखना बाकी है। हालांकि यह अफवाह थी कि इसके मूल समकक्ष के निर्देशक मगिज थिरुमेनु इसके तेलुगु रीमेक का निर्देशन करना चाहते थे। किशोर तिरुमाला को इस परियोजना को चलाने के लिए साइन किया गया था। नेनु शैलजा 2016 के और रुद्राधिकारी कोकाटे जिंदगी 2017 के बाद यह फिल्म राम और तिरुमाला के तीसरे सहयोग को चाहते करते हैं। तो बात करें मूवी की फिल्म के बारे में तो फिल्म को 30 अक्टूबर 2019 को हैदराबाद के एक स्टूडियो में लॉन्च किया गया था और पूरी जगन्नाथ और चारमा में और कोर ने फिल्म के पहले शॉट पर ताली बजाई थी। हालांकि निर्माताओं ने घोषणा की फिल्म की शूटिंग 16 नवंबर 2019 से शुरू होंगी। फिल्मांकन 2 दिन पहले शुरू हुआ था। फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफर पीटर हेन ने किया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम मनी शर्मा द्वारा रचित है जबकि जिसके बोल श्रीवेनेला सीताराम शास्त्री कसारालाम श्याम और कल्याण
चक्रवर्ती द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म शर्मा का किशोर तिरुमाला के साथ सहयोग है। और आइए स्मार्ट शंकर 2019 के बाद राम के साथ दूसरा सहयोग है। तो बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो रेट को शुरू में 9 अप्रैल 2020 को पर थिएटर्स के रूप में रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड 19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इसे अफवाह सामने आ रही थी कि फिल्म का प्रीमियम एक ओवर द टॉप मीडिया सर्विस OTT पर हो सकता है। हालांकि राम ने पुष्टि की कि फिल्म एक थिएटर्स के रूप में रिलीज होंगी। रेट एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की अपराध थ्रिलर फिल्म है, मतलब जो किशोर तिरुमाला द्वारा निर्देशित और श्री श्रावंती मूवीज द्वारा निर्मित है। इसमें निविदा पेथुराज, मलविका शर्मा और अमृता अय्यर के साथ राम पोची ने दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। तमिल फिल्म तड़म 2019 की रीमेक है। यह एक हत्या की जांच का अनुसरण करती है, जिसमें एक सिविल इंजीनियर और उसके हमशकल को प्रमुख संदिग्धों के रूप में शामिल किया गया है। तो फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2 में की गई थी। इसकी मुख्य शूटिंग नवंबर 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। अधिकांश फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में की गई थी। दो गानों को छोड़कर जो इटली में शूट किए गए थे। रेड में संगीत मनीष शर्मा ने दिया है, जबकि समीर रेड्डी और जुनेद सिद्दीकी ने क्रमश छायांकन और संपादन किए हैं। यह फिल्म 14 जनवरी 2021 को संक्रांति के अवसर पर कोविड 19 महामारी के कारण 9 अप्रैल 2020 की प्रारंभ रिलीज की तारीख से देरी होने के बाद रिलीज हुई थी। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो राम पोती ने सिद्धार्थ और आदित्य के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। निवेदा पेथुराज SI यामिनी के रूप में है और महिमा के रूप में मालविका शर्मा सिद्धार्थ की प्रेमिका है और गायत्री के रूप में अमृता अय्यर आदित्य की प्रेमिका है। संपत राज CI नागेंद्र के रूप में है और वेनेला किशोर फोरेंसिक अधिकारी पुरुषोत्तम के रूप में है और एमिनी के एक तरफ प्रेमी है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 13 मार्च 2019 को श्री श्रवंती मूवीज के निर्माता श्रवण रवि किशोर ने अरुण विजय स्टारर थमन 2019 के रीमेक अधिकार खरीदे, जिसमें राम पोती ने मुख्य भूमिका में है। हालांकि उन्होंने फिल्म के लिए अपनी अंतिम कॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि वह गोवा में फिल्म स्मार्ट शंकर 2019 की शूटिंग में व्यस्त थे, जिसे अभी तमिल फिल्म भी देखना बाकी है। हालांकि यह अफवाह थी कि इसके मूल समकक्ष के निर्देशक मगीज थिरुमेनु इसके तेलुगु रीमेक का निर्देशन करना चाहते थे। किशोर तिरुमाला को इस परियोजना को चलाने के लिए साइन किया गया था। नेनू शैलजा 2016 के और रुद्राधिकारी कोकाटे जिंदगी 2017 के बाद यह फिल्म राम और तिरुमाला के तीसरे सहयोग को चाहते करते हैं। तो बात करें मूवी की फिल्म के बारे में, तो
फिल्म को 30 अक्टूबर 2019 को हैदराबाद के एक स्टूडियो में लॉन्च किया गया था और पूरी जगन्नाथ और चारमो में और कोर ने फिल्म के पहले शॉट पर ताली बजाई थी। हालांकि निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म की शूटिंग 16 नवंबर 2019 से शुरू होंगी। फिल्मांकन 2 दिन पहले शुरू हुआ था। फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफर पीटर हेन ने किया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम मोनी शर्मा द्वारा रचित है, जबकि जिसके बोल श्रीवेनेलम सीताराम शास्त्री, कसारालाम श्याम और कल्याण चक्रवर्ती द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म शर्मा का किशोर तिरुमाला के साथ सहयोग है। और आइए स्मार्ट शंकर 2019 के बाद राम के साथ दूसरा सहयोग है। तो बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो रेट को शुरू में 9 अप्रैल 2020 को पर थिएटर्स के रूप में रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड 19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इसे अफवाह सामने आ रही थी कि फिल्म का प्रीमियम एक ओवर द टॉप मीडिया सर्विस OTT पर हो सकता है। हालांकि राम ने पुष्टि की कि फिल्म एक थिएटर्स के रूप में रिलीज होंगी। रेट 1 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की अपराध थ्रिलर फिल्म है, मतलब जो किशोर तिरुमाला द्वारा निर्देशित और श्री श्रावंती मूवीज द्वारा निर्मित है। इसमें निवेदा पेथुराज, मलविका शर्मा और अमृता अय्यर के साथ राम पोचिनी दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। तमिल फिल्म तड़म 2019 की रीमेक है। यह एक हत्या की जांच का अनुसरण करती है, जिसमें एक सिविल इंजीनियर और उसके हमशकल को प्रमुख संदिग्धों के रूप में शामिल किया गया है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2 में की गई थी। इसकी मुख्य शूटिंग नवंबर 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। अधिकांश फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में की गई थी। दो गानों को छोड़कर जो इटली में शूट किए गए थे। रेड में संगीत मनीष शर्मा ने दिया है, जबकि समीर रेड्डी और जुनेद सिद्दकी ने क्रमश छायांकन और संपादन किए हैं। यह फिल्म 14 जनवरी 2021 को संक्रांति के अवसर पर कोविड 19 महामारी के कारण 9 अप्रैल 2020 की प्रारंभ रिलीज की तारीख से देरी होने के बाद रिलीज हुई थी। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो राम पोचिनी सिद्धार्थ और आदित्य के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। निवेदाम पेथुराज SI यामिनी के रूप में हैं और महिमा के रूप में मालविका शर्मा सिद्धार्थ की प्रेमिका है और गायत्री के रूप में अमृता अय्यर आदित्य की प्रेमिका है। संपत राज CI नागेंद्र के रूप में हैं और वेनेला किशोर फोरेंसिक अधिकारी पुरुषोत्तम के रूप में हैं और एमिनी के एक तरफ प्रेमी हैं। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 13 मार्च 2019 को श्री श्रवंती मूवीज के निर्माता श्रवण रवि किशोर ने अरुण विजय स्टारर थमन 2019 के रीमेक अधिकार खरीदे, जिसमें राम पोचिनी मुख्य भूमिका में है। हालांकि उन्होंने फिल्म के लिए अपनी अंतिम कॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि वह गोवा में
फिल्म स्मार्ट शंकर 2019 की शूटिंग में व्यस्त थे, जिसे अभी तमिल फिल्म भी देखना बाकी है। हालांकि यह अफवाह थी कि इसके मूल समकक्ष के निर्देशक मगिज थिरुमेनु इसके तेलुगु रीमेक का निर्देशन करना चाहते थे। किशोर तिरुमाला को इस परियोजना को चलाने के लिए साइन किया गया था। नेनु शैलजा 2016 के और रुद्राधिकारी कोकाटे जिंदगी 2017 के बाद यह फिल्म राम और तिरुमाला के तीसरे सहयोग को चाहते करते हैं। तो बात करें मूवी की फिल्म के बारे में, तो फिल्म को 30 अक्टूबर 2019 को हैदराबाद के एक स्टूडियो में लॉन्च किया गया था और पूरे जगन्नाथ और चारमो में और कोर ने फिल्म के पहले शॉट पर ताली बजाई थी। हालांकि निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म की शूटिंग 16 नवंबर 2019 से शुरू होंगी। फिल्मांकन 2 दिन पहले शुरू हुआ था। फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफर पीटर हेन ने किया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम मोनी शर्मा द्वारा रचित है, जबकि जिसके बोल श्रीवेनेला सीताराम शास्त्री, कसाराम श्याम और कल्याण चक्रवर्ती द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म शर्मा का किशोर तिरुमाला के साथ सहयोग है और आइए स्मार्ट शंकर 2019 के बाद राम के साथ दूसरा सहयोग है। तो बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो रेट को शुरू में 9 अप्रैल 2020 को पर थिएटर्स के रूप में रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड 19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इसे अफवाह सामने आ रही थी कि फिल्म का प्रीमियम एक ओवर द टॉप मीडिया सर्विस OTT पर हो सकता है। हालांकि राम ने पुष्टि की कि फिल्म एक थिएटर्स के रूप में रिलीज होंगी। रेट 1 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की अपराध थ्रिलर फिल्म है, मतलब जो किशोर तिरुमाला द्वारा निर्देशित और श्री श्रावंती मूवीज द्वारा निर्मित है। इसमें निवेदा पेथुराज, मलविका शर्मा और अमृता अय्यर के साथ राम पोची ने दोहरी भूमिका है भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। तमिल फिल्म तड़म 2019 की रीमेक है। यह एक हत्या की जांच का अनुसरण करती है, जिसमें एक सिविल इंजीनियर और उसके हमशकल को प्रमुख संदिग्धों के रूप में शामिल किया गया है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2 में की गई थी। इसकी मुख्य शूटिंग नवंबर 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। अधिकांश फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में की गई थी। दो गानों को छोड़कर जो इटली में शूट किए गए थे। रेड में संगीत मनी शर्मा ने दिया है, जबकि समीर रेड्डी और जुनेद सिद्दीकी ने क्रमश छायांकन और संपादन किए हैं। यह फिल्म 14 जनवरी 2021 को संक्रांति के अवसर पर कोविड 19 महामारी के कारण 9 अप्रैल 2020 की प्रारंभ रिलीज की तारीख से देरी होने के बाद रिलीज हुई थी। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रामपोती ने सिद्धार्थ और आदित्य के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। निवेदाम पेथुराज SI यामिनी के रूप में है और महिमा के रूप में
मालविका शर्मा सिद्धार्थ की प्रेमिका है और गायत्री के रूप में अमृता अय्यर आदित्य की प्रेमिका है। संपत राज CI नागेंद्र के रूप में है और वेनेला किशोर फोरेंसिक अधिकारी पुरुषोत्तम के रूप में है और एमिनी के एक तरफ प्रेमी है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 13 मार्च 2019 को श्री श्रवंती मूवीज़ के निर्माता श्रवण रवि किशोर ने अरुण विजय स्टारर थमन 2019 के रीमेक अधिकार खरीदे, जिसमें रामपुती ने मुख्य भूमिका में है। हालांकि उन्होंने फिल्म के लिए अपनी अंतिम कॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे क्योंकि वह गोवा में फिल्म स्मार्ट शंकर 2019 की शूटिंग में व्यस्त थे, जिसे अभी तमिल फिल्म भी देखना बाकी है। हालांकि यह अफवाह थी कि इसके मूल समकक्ष के निर्देशक मगिज थिरुमेन इसके तेलुगु रीमेक का निर्देशन करना चाहते थे। किशोर तिरुमाला को इस परियोजना को चलाने के लिए साइन किया गया था। नेनु शैलजा 2016 के और रुद्राधिकारी कोकाटे जिंदगी 2017 के बाद यह फिल्म राम और तिरुमाला के तीसरे सहयोग को चाहते करते हैं। तो बात करें मूवी की फिल्म के बारे में, तो फिल्म को 30 अक्टूबर 2019 को हैदराबाद के एक स्टूडियो में लॉन्च किया गया था और पूरे जगन्नाथ और चारमा में और कोर ने फिल्म के पहले शॉट पर ताली बजाई थी। हालांकि निर्माताओं ने घोषणा कि फिल्म की शूटिंग 16 नवंबर 2019 से शुरू होंगी। फिल्मांकन 2 दिन पहले शुरू हुआ था। फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफर पीटर हेन ने किया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम मोनी शर्मा द्वारा रचित है, जबकि जिसके बोल श्रीवेनेला सीताराम शास्त्री कसारालाम श्याम और कल्याण चक्रवर्ती द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म शर्मा का किशोर तिरुमाला के साथ सहयोग है और स्मार्ट शंकर 2019 के बाद राम के साथ दूसरा सहयोग है। तो बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो रेट को शुरू में 9 अप्रैल 2020 को पर थिएटर्स के रूप में रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। ऐसे अफवाह सामने आ रही थी कि फिल्म का प्रीमियम एक ओवर द टॉप मीडिया सर्विस OTT पर हो सकता है। हालांकि राम ने पुष्टि की कि फिल्म एक थिएटर्स के रूप में रिलीज होंगी। रेट 1/2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की अपराध थ्रिलर फिल्म है, मतलब जो किशोर तिरुमाला द्वारा निर्देशित और श्री श्रावंती मूवीज द्वारा निर्मित है। इसमें निवेदा पेथुराज मलविका शर्मा और अमृता अय्यर के साथ रामपोची ने दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। तमिल फिल्म तड़म 2019 की रीमेक है। यह एक हत्या की जांच का अनुसरण करती है, जिसमें एक सिविल इंजीनियर और उसके हमशकल को प्रमुख संदिग्धों के रूप में शामिल किया गया है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2 में की गई थी। इसकी मुख्य शूटिंग नवंबर 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी।
अधिकांश फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में की गई थी। दो गानों को छोड़कर जो इटली में शूट किए गए थे, रेड में संगीत मनी शर्मा ने दिया है, जबकि समीर रेड्डी और जुनेद सिद्दीकी ने क्रमश छायांकन और संपादन किए हैं। यह फिल्म 14 जनवरी 2021 को संक्रांति के अवसर पर कोविड-19 महामारी के कारण 9 अप्रैल 2020 की प्रारंभ रिलीज़ की तारीख से देरी होने के बाद रिलीज़ हुई थी। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रामपुती ने सिद्धार्थ और आदित्य के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। निवेथम पेथुराज एस आई यामिनी के रूप में है और महिमा के रूप में मालविका शर्मा सिद्धार्थ की प्रेमिका है और गायत्री के रूप में अमृता अय्यर आदित्य की प्रेमिका है। संपत राज सी आई नागेंद्र के रूप में है और वेनेला किशोर फोरेंसिक अधिकारी पुरुषोत्तम के रूप में है और एमिनी के एक तरफ प्रेमी है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 13 मार्च 2019 को श्री श्रवंती मूवीज़ के निर्माता श्रवण रवि किशोर ने अरुण विजय स्टारर थमन 2019 के रीमेक अधिकार खरीदे, जिसमें रामपुती ने मुख्य भूमिका में है। हालांकि उन्होंने फिल्म के लिए अपनी अंतिम कॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि वह गोवा में फिल्म स्मार्ट शंकर 2019 की शूटिंग में व्यस्त थे, जिसे अभी तमिल फिल्म भी देखना बाकी है। हालांकि यह अफवाह थी कि इसके मूल समकक्ष किन निर्देशक मगिज थिरुमेनु इसके तेलुगु रीमेक का निर्देशन करना चाहते थे। किशोर तिरुमाला को इस परियोजना को चलाने के लिए साइन किया गया था। नेनु शैलजा 2016 के और रुद्राधिकारी कोकाटे जिंदगी 2017 के बाद यह फिल्म राम और तिरुमाला के तीसरे सहयोग को चाहते करते हैं। तो बात करें मूवी की फिल्म के बारे में, तो फिल्म को 30 अक्टूबर 2019 को हैदराबाद के एक स्टूडियो में लॉन्च किया गया था और पूरे जगन्नाथ और चारमा में और कोर ने फिल्म के पहले शॉट पर ताली बजाई थी। हालांकि निर्माताओं ने घोषणा कि फिल्म की शूटिंग 16 नवंबर 2019 से शुरू होंगी। फिल्मांकन 2 दिन पहले शुरू हुआ था। फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफर पीटर हेन ने किया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम मनी शर्मा द्वारा रचित है, जबकि जिसके बोल श्रीवेनेला सीताराम शास्त्री कसारालाम श्याम और कल्याण चक्रवर्ती द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म शर्मा का किशोर तिरुमाला के साथ सहयोग है और आईए स्मार्ट शंकर 2019 के बाद राम के साथ दूसरा सहयोग है। तो बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो रेट को शुरू में 9 अप्रैल 2020 को पर थिएटर्स के रूप में रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। ऐसे अफवाह सामने आ रही थी कि फिल्म का प्रीमियम एक ओवर द टॉप मीडिया सर्विस OTT पर हो सकता है। हालांकि राम ने पुष्टि की कि फिल्म एक थिएटर्स के रूप में रिलीज होंगी। रेट 1 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की अपराध थ्रिलर फिल्म है, मतलब जो किशोर तिरुमाला द्वारा निर्देशित और श्री श्रावंती मूवी
मूवीज द्वारा निर्मित है। इसमें निवेदा पेथुराज, मलविका शर्मा और अमृता अय्यर के साथ राम पोची ने दोहरी भूमिका है भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। तमिल फिल्म तड़म 2019 की रीमेक है। यह एक हत्या की जांच का अनुसरण करती है जिसमें एक सिविल इंजीनियर और उसके हमशकल को प्रमुख संदिग्धों के रूप में शामिल किया गया है। तो बाद फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2 में की गई थी। इसकी मुख्य शूटिंग नवंबर 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। अधिकांश फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में की गई थी। दो गानों को छोड़कर जो इटली में शूट किए गए थे, रेड में संगीत मनी शर्मा ने दिया है जबकि समीर रेड्डी और जुनेद सिद्दीकी ने क्रमश छायांकन और संपादन किए हैं। यह फिल्म 14 जनवरी 2021 को संक्रांति के अवसर पर कोविड 19 महामारी के कारण 9 अप्रैल 2020 की प्रारंभ रिलीज की तारीख से देरी होने के बाद रिलीज हुई थी। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राम पोची ने सिद्धार्थ और आदित्य के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। निवेदा पेथुराज SI यामिनी के रूप में है और महिमा के रूप में मालविका शर्मा सिद्धार्थ की प्रेमिका है और गायत्री के रूप में अमृता अय्यर आदित्य की प्रेमिका है। संपत राज CI नागेंद्र के रूप में है और वेनेला किशोर फोरेंसिक अधिकारी पुरुषोत्तम के रूप में है और यामिनी के एक तरफ प्रेमी है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो 13 मार्च 2019 को श्री श्रवंती मूवीज के निर्माता श्रवण रवि किशोर ने अरुण विजय स्टारर थमन 2019 के रीमेक अधिकार खरीदे जिसमें राम पोती ने मुख्य भूमिका में है। हालांकि उन्होंने फिल्म के लिए अपनी अंतिम कॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे क्योंकि वह गोवा में फिल्म स्मार्ट शंकर 2019 की शूटिंग में व्यस्त थे जिसे अभी तमिल फिल्म भी देखना बाकी है। हालांकि यह अफवाह थी कि इसके मूल समकक्ष के निर्देशक मगीज थिरुमेनु इसके तेलुगु रीमेक का निर्देशन करना चाहते थे। किशोर तिरुमाला को इस परियोजना को चलाने के लिए साइन किया गया था। नेनु शैलजा 2016 के और रुद्राधिकारी कोकाटे जिंदगी 2017 के बाद यह फिल्म राम और तिरुमाला के तीसरे सहयोग को चाहते करते हैं। तो बात करें मूवी की फिल्म के बारे में तो फिल्म को 30 अक्टूबर 2019 को हैदराबाद के एक स्टूडियो में लॉन्च किया गया था और पूरी जगन्नाथ और चारमा में और कोर ने फिल्म के पहले शॉट पर ताली बजाई थी। हालांकि निर्माताओं ने घोषणा की फिल्म की शूटिंग 16 नवंबर 2019 से शुरू होंगी। फिल्मांकन 2 दिन पहले शुरू हुआ था। फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफर पीटर हेन ने किया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम मनी शर्मा द्वारा रचित है जबकि जिसके बोल श्रीवेनेला सीताराम शास्त्री कसारालाम श्याम और कल्याण चक्रवर्ती द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म शर्मा का किशोर तिरुमाला के साथ सहयोग है और IA स्मार्ट शंकर 2019 के बाद
राम के साथ दूसरा सहयोग है। तो बात करें मूवी की रिलीज डेट के बारे में, तो रेट को शुरू में 9 अप्रैल 2020 को पर थिएटर्स के रूप में रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड 19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इसे अफवाह सामने आ रही थी कि फिल्म का प्रीमियम एक ओवर द टॉप मीडिया सर्विस OTT पर हो सकता है। हालांकि राम ने पुष्टि की कि फिल्म एक थिएटर्स के रूप में रिलीज होंगी। रेट एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की अपराध थ्रिलर फिल्म है, मतलब जो किशोर तिरुमाला द्वारा निर्देशित और श्री श्रावंती मूवीज द्वारा निर्मित है। इसमें निवेदा पेथुराज, मलविका शर्मा और अमृता अय्यर के साथ राम पोची ने दोहरी भूमिका है भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। तमिल फिल्म तड़म 2019 की रीमेक है। यह एक हत्या की जांच का अनुसरण करती है, जिसमें एक सिविल इंजीनियर और उसके हमशकल को प्रमुख संदिग्धों के रूप में शामिल किया गया है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2 में की गई थी। इसकी मुख्य शूटिंग नवंबर 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। अधिकांश फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में की गई थी। दो गानों को छोड़कर जो इटली में शूट किए गए थे। रेड में संगीत मनी शर्मा ने दिया है, जबकि समीर रेड्डी और जुनेद सिद्दकी ने क्रमश छायांकन और संपादन किए हैं। यह फिल्म 14 जनवरी 2021 को संक्रांति के अवसर पर कोविड 19 महामारी के कारण 9 अप्रैल 2020 की प्रारंभ रिलीज की तारीख से देरी होने के बाद रिलीज हुई थी। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो राम पोती ने सिद्धार्थ और आदित्य के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। निवेदा पेथुराज SI यामिनी के रूप में है और महिमा के रूप में मालविका शर्मा सिद्धार्थ की प्रेमिका है और गायत्री के रूप में अमृता अय्यर आदित्य की प्रेमिका है। संपत राज CI नागेंद्र के रूप में है और वेनेला किशोर फोरेंसिक अधिकारी पुरुषोत्तम के रूप में है और एमिनी के एक तरफ प्रेमी है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 13 मार्च 2019 को श्री श्रवंती मूवीज के निर्माता श्रवण रवि किशोर ने अरुण विजय स्टारर थमन 2019 के रीमेक अधिकार खरीदे, जिसमें राम पोती ने मुख्य भूमिका में है। हालांकि उन्होंने फिल्म के लिए अपनी अंतिम कॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि वह गोवा में फिल्म स्मार्ट शंकर 2019 की शूटिंग में व्यस्त थे, जिसे अभी तमिल फिल्म भी देखना बाकी है। हालांकि यह अफवाह थी कि इसके मूल समकक्ष के निर्देशक मगीज थिरुमेनु इसके तेलुगु रीमेक का निर्देशन करना चाहते थे। किशोर तिरुमाला को इस परियोजना को चलाने के लिए साइन किया गया था। नेनू शैलजा 2016 के और रुद्राधिकारी कोकाटे जिंदगी 2017 के बाद यह फिल्म राम और तिरुमाला के तीसरे सहयोग को चाहते करते हैं। तो बात करें मूवी की फिल्म के बारे में, तो फिल्म को 30 अक्टूबर 2019 को हैदराबाद के एक स्टूडियो में लॉन्च किया गया था और पूरे जगन्नाथ और चारमो में और
कौर ने फिल्म की पहले शॉट पर ताली बजाई थी। हालांकि निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म की शूटिंग 16 नवंबर 2019 से शुरू होंगी। फिल्मांकन 2 दिन पहले शुरू हुआ था। फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफर पीटर हेन ने किया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम मोनी शर्मा द्वारा रचित है, जबकि जिसके बोल श्रीवेनेलम सीताराम शास्त्री, कसारालाम श्याम और कल्याण चक्रवर्ती द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म शर्मा का किशोर तिरुमाला के साथ सहयोग है। और आइए स्मार्ट शंकर 2019 के बाद राम के साथ दूसरा सहयोग है। तो बात करें मूवी की रिलीज डेट के बारे में, तो रेट को शुरू में 9 अप्रैल 2020 को पर थिएटर्स के रूप में रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड 19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। ऐसे अफवाह सामने आ रही थी कि फिल्म का प्रीमियम एक ओवर द टॉप मीडिया सर्विस OTT पर हो सकता है। हालांकि राम ने पुष्टि की कि फिल्म एक थिएटर्स के रूप में रिलीज होंगी। रेट 1 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की अपराध थ्रिलर फिल्म है, मतलब जो किशोर तिरुमाला द्वारा निर्देशित और श्री श्रावंती मूवीज द्वारा निर्मित है। इसमें निवेदा पेथुराज, मलविका शर्मा और अमृता अय्यर के साथ राम पोची ने दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। तमिल फिल्म तड़म 2019 की रीमेक है। यह एक हत्या की जांच का अनुसरण करती है, जिसमें एक सिविल इंजीनियर और उसके हमशकल को प्रमुख संदिग्धों के रूप में शामिल किया गया है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2 में की गई थी। इसकी मुख्य शूटिंग नवंबर 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। अधिकांश फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में की गई थी। दो गानों को छोड़कर जो इटली में शूट किए गए थे। रेड में संगीत मनी शर्मा ने दिया है, जबकि समीर रेड्डी और जुनेद सिद्दकी ने क्रमश छायांकन और संपादन किए हैं। यह फिल्म 14 जनवरी 2021 को संक्रांति के अवसर पर कोविड 19 महामारी के कारण 9 अप्रैल 2020 की प्रारंभ रिलीज की तारीख से देरी होने के बाद रिलीज हुई थी। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो राम पोती ने सिद्धार्थ और आदित्य के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। निवेथम पेथुराज SI यामिनी के रूप में है और महिमा के रूप में मालविका शर्मा सिद्धार्थ की प्रेमिका है और गायत्री के रूप में अमृता अय्यर आदित्य की प्रेमिका है। संपत राज CI नागेंद्र के रूप में है और वेनेला किशोर फोरेंसिक अधिकारी पुरुषोत्तम के रूप में है और एमिनी के एक तरफ प्रेमी है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 13 मार्च 2019 को श्री श्रवंती मूवीज के निर्माता श्रवण रवि किशोर ने अरुण विजय स्टारर थमन 2019 के रीमेक अधिकार खरीदे, जिसमें राम पोती ने मुख्य भूमिका में है। हालांकि उन्होंने फिल्म के लिए अपनी अंतिम कॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि वह गोवा में फिल्म स्मार्ट शंकर 2019 की शूटिंग में व्यस्त थे, जिसे अभी तमिल फिल्म भी देखना बाकी है। हालांकि यह अफवाह थी कि इसके मूल
समकक्ष किन निर्देश मगिज थिरुमेन इसके तेलुगु रीमेक का निर्देशन करना चाहते थे। किशोर तिरुमाला को इस परियोजना को चलाने के लिए साइन किया गया था। नेनु शैलजा 2016 के और रुद्राधिकारी कोकाटे जिंदगी 2017 के बाद यह फिल्म राम और तिरुमाला के तीसरे सहयोग को चाहते करते हैं। तो बात करें मूवी की फिल्म के बारे में, तो फिल्म को 30 अक्टूबर 2019 को हैदराबाद के एक स्टूडियो में लॉन्च किया गया था और पूरे जगन्नाथ और चारमो में और कोर ने फिल्म के पहले शॉट पर ताली बजाई थी। हालांकि निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म की शूटिंग 16 नवंबर 2019 से शुरू होंगी। फिल्मांकन 2 दिन पहले शुरू हुआ था। फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफर पीटर हेन ने किया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम मोनी शर्मा द्वारा रचित है, जबकि जिसके बोल श्रीवेनेला सीताराम शास्त्री कसारालाम श्याम और कल्याण चक्रवर्ती द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म शर्मा का किशोर तिरुमाला के साथ सहयोग है। और आइए स्मार्ट शंकर 2019 के बाद राम के साथ दूसरा सहयोग है। तो बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो रेट को शुरू में 9 अप्रैल 2020 को पर थिएटर्स के रूप में रिलीज़ करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड 19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। ऐसे अफवाह सामने आ रही थी कि फिल्म का प्रीमियम एक ओवर द टॉप मीडिया सर्विस OTT पर हो सकता है। हालांकि राम ने पुष्टि की कि फिल्म एक थिएटर्स के रूप में रिलीज़ होंगी। रेट एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की अपराध थ्रिलर फिल्म है, मतलब जो किशोर तिरुमाला द्वारा निर्देशित और श्री श्रावंती मूवीज द्वारा निर्मित है। इसमें निवेदा पेथुराज मलविका शर्मा और अमृता अय्यर के साथ रामपोची ने दोहरी भूमिका है भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। तमिल फिल्म तड़म 2019 की रीमेक है। यह एक हत्या की जांच का अनुसरण करती है, जिसमें एक सिविल इंजीनियर और उसके हमशकल को प्रमुख संदिग्धों के रूप में शामिल किया गया है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2 में की गई थी। इसकी मुख्य शूटिंग नवंबर 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। अधिकांश फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में की गई थी। दो गानों को छोड़कर जो इटली में शूट किए गए थे। रेड में संगीत मनी शर्मा ने दिया है, जबकि समीर रेड्डी और जुनेद सिद्दकी ने क्रमश छायांकन और संपादन किए हैं। यह फिल्म 14 जनवरी 2021 को संक्रांति के अवसर पर कोविड 19 महामारी के कारण 9 अप्रैल 2020 की प्रारंभ रिलीज की तारीख से देरी होने के बाद रिलीज हुई थी। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रामपोती ने सिद्धार्थ और आदित्य के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। निवेथम पेथुराज SI यामिनी के रूप में है और महिमा के रूप में मालविका शर्मा सिद्धार्थ की प्रेमिका है और गायत्री के रूप में अमृता अय्यर आदित्य की प्रेमिका है। संपत राज CI नागेंद्र के रूप में है और वेनेला किशोर
फोरेंसिक अधिकारी पुरुषोत्तम के रूप में हैं और एमिनी के एक तरफ प्रेमी हैं। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 13 मार्च 2019 को श्री श्रवंती मूवीज़ के निर्माता श्रवण रवि किशोर ने अरुण विजय स्टारर थमन 2019 के रीमेक अधिकार खरीदे, जिसमें रामपुती ने मुख्य भूमिका में है। हालांकि उन्होंने फिल्म के लिए अपनी अंतिम कॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि वह गोवा में फिल्म स्मार्ट शंकर 2019 की शूटिंग में व्यस्त थे, जिसे अभी तमिल फिल्म भी देखना बाकी है। हालांकि यह अफवाह थी कि इसके मूल समकक्ष किन निर्देशक मगिज थिरुमेन इसके तेलुगु रीमेक का निर्देशन करना चाहते थे। किशोर तिरुमाला को इस परियोजना को चलाने के लिए साइन किया गया था। नेनु शैलजा 2016 के और रुद्राधिकारी कोकाटे जिंदगी 2017 के बाद यह फिल्म राम और तिरुमाला के तीसरे सहयोग को चाहते करते हैं। तो बात करें मूवी की फिल्म के बारे में, तो फिल्म को 30 अक्टूबर 2019 को हैदराबाद के एक स्टूडियो में लॉन्च किया गया था और पूरे जगन्नाथ और चारमो में और कोर ने फिल्म के पहले शॉट पर ताली बजाई थी। हालांकि निर्माताओं ने घोषणा कि फिल्म की शूटिंग 16 नवंबर 2019 से शुरू होंगी। फिल्मांकन 2 दिन पहले शुरू हुआ था। फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफर पीटर हेन ने किया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम मोनी शर्मा द्वारा रचित है, जबकि जिसके बोल श्रीवेनेला सीताराम शास्त्री कसारालाम श्याम और कल्याण चक्रवर्ती द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म शर्मा का किशोर तिरुमाला के साथ सहयोग है और आई स्मार्ट शंकर 2019 के बाद राम के साथ दूसरा सहयोग है। तो बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो रेट को शुरू में 9 अप्रैल 2020 को पर थिएटर्स के रूप में रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड 19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। ऐसे अफवाह सामने आ रही थी कि फिल्म का प्रीमियम एक ओवर द टॉप मीडिया सर्विस OTT पर हो सकता है। हालांकि राम ने पुष्टि की कि फिल्म एक थिएटर्स के रूप में रिलीज होंगी। रेट 1 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की अपराध थ्रिलर फिल्म है, मतलब जो किशोर तिरुमाला द्वारा निर्देशित और श्री श्रावंती मूवीज द्वारा निर्मित है। इसमें निवेदा पेथुराज, मलविका शर्मा और अमृता अय्यर के साथ रामपोची ने दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। तमिल फिल्म तड़म 2019 की रीमेक है। यह एक हत्या की जांच का अनुसरण करती है, जिसमें एक सिविल इंजीनियर और उसके हमशकल को प्रमुख संदिग्धों के रूप में शामिल किया गया है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2 में की गई थी। इसकी मुख्य शूटिंग नवंबर 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। अधिकांश फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में की गई थी। दो गानों को छोड़कर जो इटली में शूट किए गए थे। रेड में संगीत मनी शर्मा ने दिया है, जबकि समीर रेड्डी और जुनेद
सिद्दीकी ने क्रमश छायांकन और संपादन किए हैं। यह फिल्म 14 जनवरी 2021 को संक्रांति के अवसर पर कोविड-19 महामारी के कारण 9 अप्रैल 2020 की प्रारंभ रिलीज की तारीख से देरी होने के बाद रिलीज हुई थी। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राम पुतिनी सिद्धार्थ और आदित्य के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। निवेथम पेथुराज एस आई यामिनी के रूप में है और महिमा के रूप में मालविका शर्मा सिद्धार्थ की प्रेमिका है और गायत्री के रूप में अमृता अय्यर आदित्य की प्रेमिका है। संपत राज सी आई नागेंद्र के रूप में है और वेनेला किशोर फोरेंसिक अधिकारी पुरुषोत्तम के रूप में है और एमिनी के एक तरफ प्रेमी है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो 13 मार्च 2019 को श्री श्रवंती मूवीज़ के निर्माता श्रवण रवि किशोर ने अरुण विजय स्टारर थमन 2019 के रीमेक अधिकार खरीदे जिसमें राम पुतिनी मुख्य भूमिका में है। हालांकि उन्होंने फिल्म के लिए अपनी अंतिम कॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे क्योंकि वह गोवा में फिल्म स्मार्ट शंकर 2019 की शूटिंग में व्यस्त थे जिसे अभी तमिल फिल्म भी देखना बाकी है। हालांकि यह अफवाह थी कि इसके मूल समकक्ष किन निर्देशक मगिज थिरुमेनु इसके तेलुगु रीमेक का निर्देशन करना चाहते थे। किशोर तिरुमाला को इस परियोजना को चलाने के लिए साइन किया गया था। नेनु शैलजा 2016 के और रुद्राधिकारी कोकाटे जिंदगी 2017 के बाद यह फिल्म राम और तिरुमाला के तीसरे सहयोग को चाहता करते हैं। तो बात करें मूवी की फिल्म के बारे में तो फिल्म को 30 अक्टूबर 2019 को हैदराबाद के एक स्टूडियो में लॉन्च किया गया था और पूरी जगन्नाथ और चारमा में और कोर ने फिल्म के पहले शॉट पर ताली बजाई थी। हालांकि निर्माताओं ने घोषणा कि फिल्म की शूटिंग 16 नवंबर 2019 से शुरू होंगी। फिल्मांकन 2 दिन पहले शुरू हुआ था। फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफर पीटर हेन ने किया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम मोनी शर्मा द्वारा रचित है जबकि जिसके बोल श्रीवेनेला सीताराम शास्त्री कसारालाम श्याम और कल्याण चक्रवर्ती द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म शर्मा का किशोर तिरुमाला के साथ सहयोग है और आईए स्मार्ट शंकर 2019 के बाद राम के साथ दूसरा सहयोग है। तो बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो रेट को शुरू में 9 अप्रैल 2020 को पर थिएटर्स के रूप में रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। ऐसे अफवाह सामने आ रही थी कि फिल्म का प्रीमियम एक ओवर द टॉप मीडिया सर्विस OTT पर हो सकता है। हालांकि राम ने पुष्टि की कि फिल्म एक थिएटर्स के रूप में रिलीज होंगी। रेट 1/2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की अपराध थ्रिलर फिल्म है मतलब जो किशोर तिरुमाला द्वारा निर्देशित और श्री श्रावंती मूवीज द्वारा निर्मित है। इसमें निवेदा पेथुराज मलविका शर्मा और अमृता अय्यर के साथ राम पुतिनी दोहरी भूमिका है भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। तमिल फिल्म तड़प
धड़म 2019 की रीमेक है। यह एक हत्या की जांच का अनुसरण करती है जिसमें एक सिविल इंजीनियर और उसके हमशकल को प्रमुख संदिग्धों के रूप में शामिल किया गया है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2 में की गई थी। इसकी मुख्य शूटिंग नवंबर 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। अधिकांश फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में की गई थी। दो गानों को छोड़कर जो इटली में शूट किए गए थे, रेड में संगीत मनी शर्मा ने दिया है जबकि समीर रेड्डी और जुनेद सिद्दीकी ने क्रमश छायांकन और संपादन किए हैं। यह फिल्म 14 जनवरी 2021 को संक्रांति के अवसर पर COVID-19 महामारी के कारण 9 अप्रैल 2020 की प्रारंभ रिलीज की तारीख से देरी होने के बाद रिलीज हुई थी। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रामपुतिनी सिद्धार्थ और आदित्य के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। निवेथम पेथुराज SI यामिनी के रूप में है और महिमा के रूप में मालविका शर्मा सिद्धार्थ की प्रेमिका है और गायत्री के रूप में अमृता अय्यर आदित्य की प्रेमिका है। संपत राज CI नागेंद्र के रूप में है और वेनेला किशोर फोरेंसिक अधिकारी पुरुषोत्तम के रूप में है और यामिनी के एक तरफ प्रेमी है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो 13 मार्च 2019 को श्री श्रवंती मूवीज़ के निर्माता श्रवण रवि किशोर ने अरुण विजय स्टारर थमन 2019 के रीमेक अधिकार खरीदे जिसमें रामपुती ने मुख्य भूमिका में है। हालांकि उन्होंने फिल्म के लिए अपनी अंतिम कॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे क्योंकि वह गोवा में फिल्म स्मार्ट शंकर 2019 की शूटिंग में व्यस्त थे जिसे अभी तमिल फिल्म भी देखना बाकी है। हालांकि यह अफवाह थी कि इसके मूल समकक्ष के निर्देशक मगिज थिरुमेनु इसके तेलुगु रीमेक का निर्देशन करना चाहते थे। किशोर तिरुमाला को इस परियोजना को चलाने के लिए साइन किया गया था। नेनु शैलजा 2016 के और रुद्राधिकारी कोकाटे जिंदगी 2017 के बाद यह फिल्म राम और तिरुमाला के तीसरे सहयोग को चाहते करते हैं। तो बात करें मूवी की फिल्म के बारे में तो फिल्म को 30 अक्टूबर 2019 को हैदराबाद के एक स्टूडियो में लॉन्च किया गया था और पूरी जगन्नाथ और चारमा में और कोर ने फिल्म के पहले शॉट पर ताली बजाई थी। हालांकि निर्माताओं ने घोषणा की फिल्म की शूटिंग 16 नवंबर 2019 से शुरू होंगी। फिल्मांकन 2 दिन पहले शुरू हुआ था। फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफर पीटर हेन ने किया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम मनी शर्मा द्वारा रचित है जबकि जिसके बोल श्रीवेनेला सीताराम शास्त्री कसारालाम श्याम और कल्याण चक्रवर्ती द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म शर्मा का किशोर तिरुमाला के साथ सहयोग है और स्मार्ट शंकर 2019 के बाद राम के साथ दूसरा सहयोग है। तो बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो रेट को शुरू में 9 अप्रैल 2020 को पर थिएटर्स के रूप में रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।
ऐसे अफवाह सामने आ रही थी कि फिल्म का प्रीमियम एक ओवर द टॉप मीडिया सर्विस OTT पर हो सकता है। हालांकि राम ने पुष्टि की कि फिल्म एक थिएटर्स के रूप में रिलीज होंगी। रेट एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की अपराध थ्रिलर फिल्म है, मतलब जो किशोर तिरुमाला द्वारा निर्देशित और श्री श्रावंती मूवीज द्वारा निर्मित है। इसमें निवेदा पेथुराज, मलविका शर्मा और अमृता अय्यर के साथ राम पोची ने दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। तमिल फिल्म तड़म 2019 की रीमेक है। यह एक हत्या की जांच का अनुसरण करती है जिसमें एक सिविल इंजीनियर और उसके हमशकल को प्रमुख संदिग्धों के रूप में शामिल किया गया है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2 में की गई थी। इसकी मुख्य शूटिंग नवंबर 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। अधिकांश फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में की गई थी। दो गानों को छोड़कर जो इटली में शूट किए गए थे। रेड में संगीत मनी शर्मा ने दिया है जबकि समीर रेड्डी और जुनेद सिद्दीकी ने क्रमश छायांकन और संपादन किए हैं। यह फिल्म 14 जनवरी 2021 को संक्रांति के अवसर पर COVID-19 महामारी के कारण 9 अप्रैल 2020 की प्रारंभ रिलीज की तारीख से देरी होने के बाद रिलीज हुई थी। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राम पोती ने सिद्धार्थ और आदित्य के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। निवेदा पेथुराज SI यामिनी के रूप में है और महिमा के रूप में मालविका शर्मा सिद्धार्थ की प्रेमिका है और गायत्री के रूप में अमृता अय्यर आदित्य की प्रेमिका है। संपत राज CI नागेंद्र के रूप में है और वेनेला किशोर फोरेंसिक अधिकारी पुरुषोत्तम के रूप में है और एमिनी के एक तरफ प्रेमी हैं। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो 13 मार्च 2019 को श्री श्रवंती मूवीज के निर्माता श्रवण रवि किशोर ने अरुण विजय स्टारर थमन 2019 के रीमेक अधिकार खरीदे जिसमें राम पोती ने मुख्य भूमिका में है। हालांकि उन्होंने फिल्म के लिए अपनी अंतिम कॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे क्योंकि वह गोवा में फिल्म स्मार्ट शंकर 2019 की शूटिंग में व्यस्त थे जिसे अभी तमिल फिल्म भी देखना बाकी है। हालांकि यह अफवाह थी कि इसके मूल समकक्ष के निर्देशक मगिज थिरुमेनु इसके तेलुगु रीमेक का निर्देशन करना चाहते थे। किशोर तिरुमाला को इस परियोजना को चलाने के लिए साइन किया गया था। नेनू शैलजा 2016 के और रुद्राधिकारी कोकाटे जिंदगी 2017 के बाद यह फिल्म राम और तिरुमाला के तीसरे सहयोग को चाहते करते हैं। तो बात करें मूवी की फिल्म के बारे में तो फिल्म को 30 अक्टूबर 2019 को हैदराबाद के एक स्टूडियो में लॉन्च किया गया था और पूरे जगन्नाथ और चारमा में और कोर ने फिल्म के पहले शॉट पर ताली बजाई थी। हालांकि निर्माताओं ने घोषणा की फिल्म की शूटिंग 16 नवंबर 2019 से शुरू होंगी। फिल्मांकन 2 दिन पहले शुरू हुआ था। फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफर
पीटर हेन ने किया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम मोनी शर्मा द्वारा रचित है, जबकि जिसके बोल श्रीवेनेलम सीताराम शास्त्री, कसारालाम श्याम और कल्याण चक्रवर्ती द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म शर्मा का किशोर तिरुमाला के साथ सहयोग है। और आइए स्मार्ट शंकर 2019 के बाद राम के साथ दूसरा सहयोग है। तो बात करें मूवी की रिलीज डेट के बारे में, तो रेट को शुरू में 9 अप्रैल 2020 को पर थिएटर्स के रूप में रिलीज़ करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इसे अफवाह सामने आ रही थी कि फिल्म का प्रीमियम एक ओवर द टॉप मीडिया सर्विस OTT पर हो सकता है। हालांकि राम ने पुष्टि की कि फिल्म एक थिएटर्स के रूप में रिलीज होंगी। रेट एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की अपराध थ्रिलर फिल्म है, मतलब जो किशोर तिरुमाला द्वारा निर्देशित और श्री श्रावंती मूवीज द्वारा निर्मित है। इसमें निवेदा पेथुराज, मलविका शर्मा और अमृता अय्यर के साथ राम पोची ने दोहरी भूमिका है भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। तमिल फिल्म तड़म 2019 की रीमेक है। यह एक हत्या की जांच का अनुसरण करती है, जिसमें एक सिविल इंजीनियर और उसके हमशकल को प्रमुख संदिग्धों के रूप में शामिल किया गया है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2 में की गई थी। इसकी मुख्य शूटिंग नवंबर 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। अधिकांश फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में की गई थी। दो गानों को छोड़कर जो इटली में शूट किए गए थे। रेड में संगीत मनीष शर्मा ने दिया है, जबकि समीर रेड्डी और जुनेद सिद्दकी ने क्रमश छायांकन और संपादन किए हैं। यह फिल्म 14 जनवरी 2021 को संक्रांति के अवसर पर कोविड-19 महामारी के कारण 9 अप्रैल 2020 की प्रारंभ रिलीज की तारीख से देरी होने के बाद रिलीज हुई थी। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो राम पोती ने सिद्धार्थ और आदित्य के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। निवेदाम पेथुराज SI यामिनी के रूप में है और महिमा के रूप में मालविका शर्मा सिद्धार्थ की प्रेमिका है और गायत्री के रूप में अमृता अय्यर आदित्य की प्रेमिका है। संपत राज CI नागेंद्र के रूप में है और वेनेला किशोर फोरेंसिक अधिकारी पुरुषोत्तम के रूप में है और एमिनी के एक तरफ प्रेमी है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 13 मार्च 2019 को श्री श्रवंती मूवीज के निर्माता श्रवण रवि किशोर ने अरुण विजय स्टारर थमन 2019 के रीमेक अधिकार खरीदे, जिसमें राम पोती ने मुख्य भूमिका में है। हालांकि उन्होंने फिल्म के लिए अपनी अंतिम कॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि वह गोवा में फिल्म स्मार्ट शंकर 2019 की शूटिंग में व्यस्त थे, जिसे अभी तमिल फिल्म भी देखना बाकी है। हालांकि यह अफवाह थी कि इसके मूल समकक्ष के निर्देशक मगिज थिरुमेन इसके तेलुगु रीमेक का निर्देशन करना चाहते थे। किशोर तिरुमाला को इस परियोजना को चलाने के लिए साइन किया गया था। नेनू शैलजा 2019
16 के ओवर रुद्राधिकारी कोकाटे जिंदगी 2017 के बाद यह फिल्म राम और तिरुमाला के तीसरे सहयोग को चाहते करते हैं। तो बात करें मूवी की फिल्म के बारे में, तो फिल्म को 30 अक्टूबर 2019 को हैदराबाद के एक स्टूडियो में लॉन्च किया गया था और पूरी जगन्नाथ और चारमो में और कोर ने फिल्म के पहले शॉट पर ताली बजाई थी। हालांकि निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म की शूटिंग 16 नवंबर 2019 से शुरू होंगी। फिल्मांकन 2 दिन पहले शुरू हुआ था। फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफर पीटर हेन ने किया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम मोनी शर्मा द्वारा रचित है, जबकि जिसके बोल श्रीवेनेला सीताराम शास्त्री कसारालाम श्याम और कल्याण चक्रवर्ती द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म शर्मा का किशोर तिरुमाला के साथ सहयोग है। और आइए स्मार्ट शंकर 2019 के बाद राम के साथ दूसरा सहयोग है। तो बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो रेट को शुरू में 9 अप्रैल 2020 को पर थिएटर्स के रूप में रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड 19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इसे अफवाह सामने आ रही थी कि फिल्म का प्रीमियम एक ओवर द टॉप मीडिया सर्विस OTT पर हो सकता है। हालांकि राम ने पुष्टि की कि फिल्म एक थिएटर्स के रूप में रिलीज होंगी। रेट 1 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की अपराध थ्रिलर फिल्म है, मतलब जो किशोर तिरुमाला द्वारा निर्देशित और श्री श्रावंती मूवीज द्वारा निर्मित है। इसमें निवेदा पेथुराज मलविका शर्मा और अमृता अय्यर के साथ रामपोची ने दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। तमिल फिल्म तड़म 2019 की रीमेक है। यह एक हत्या की जांच का अनुसरण करती है, जिसमें एक सिविल इंजीनियर और उसके हमशकल को प्रमुख संदिग्धों के रूप में शामिल किया गया है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2 में की गई थी। इसकी मुख्य शूटिंग नवंबर 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। अधिकांश फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में की गई थी। दो गानों को छोड़कर जो इटली में शूट किए गए थे। रेड में संगीत मनी शर्मा ने दिया है, जबकि समीर रेड्डी और जुनेद सिद्दकी ने क्रमश छायांकन और संपादन किए हैं। यह फिल्म 14 जनवरी 2021 को संक्रांति के अवसर पर कोविड 19 महामारी के कारण 9 अप्रैल 2020 की प्रारंभ रिलीज की तारीख से देरी होने के बाद रिलीज हुई थी। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रामपोती ने सिद्धार्थ और आदित्य के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। निवेदाम पेथुराज SI यामिनी के रूप में है और महिमा के रूप में मालविका शर्मा सिद्धार्थ की प्रेमिका है और गायत्री के रूप में अमृता अय्यर आदित्य की प्रेमिका है। संपत राज CI नागेंद्र के रूप में है और वेनेला किशोर फोरेंसिक अधिकारी पुरुषोत्तम के रूप में है और एमिनी के एक तरफ प्रेमी है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 13 मार्च 2019 को श्री श्रवंती मूवीज के निर्माता श्रवण रवि किशोर ने
अरुण विजय स्टारर थमन 2019 के रीमेक अधिकार खरीदे, जिसमें राम पुती ने मुख्य भूमिका में है। हालांकि उन्होंने फिल्म के लिए अपनी अंतिम कॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि वह गोवा में फिल्म स्मार्ट शंकर 2019 की शूटिंग में व्यस्त थे, जिसे अभी तमिल फिल्म भी देखना बाकी है। हालांकि यह अफवाह थी कि इसके मूल समकक्ष किन निर्देशक मगिज थिरुमेन इसके तेलुगु रीमेक का निर्देशन करना चाहते थे। किशोर तिरुमाला को इस परियोजना को चलाने के लिए साइन किया गया था। नेनु शैलजा 2016 के और रुद्राधिकारी कोकाटे जिंदगी 2017 के बाद यह फिल्म राम और तिरुमाला के तीसरे सहयोग को चाहते करते हैं। तो बात करें मूवी की फिल्म के बारे में, तो फिल्म को 30 अक्टूबर 2019 को हैदराबाद के एक स्टूडियो में लॉन्च किया गया था और पूरे जगन्नाथ और चारमो में और कोर ने फिल्म के पहले शॉट पर ताली बजाई थी। हालांकि निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म की शूटिंग 16 नवंबर 2019 से शुरू होंगी। फिल्मांकन 2 दिन पहले शुरू हुआ था। फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफर पीटर हेन ने किया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम मोनी शर्मा द्वारा रचित है, जबकि जिसके बोल श्रीवेनेला सीताराम शास्त्री कसाराला श्याम और कल्याण चक्रवर्ती द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म शर्मा का किशोर तिरुमाला के साथ सहयोग है और आई स्मार्ट शंकर 2019 के बाद राम के साथ दूसरा सहयोग है। तो बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो रेट को शुरू में 9 अप्रैल 2020 को पर थिएटर्स के रूप में रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड 19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। ऐसे अफवाह सामने आ रही थी कि फिल्म का प्रीमियम एक ओवर द टॉप मीडिया सर्विस OTT पर हो सकता है। हालांकि राम ने पुष्टि की कि फिल्म एक थिएटर्स के रूप में रिलीज होंगी। रेट 1 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की अपराध थ्रिलर फिल्म है, मतलब जो किशोर तिरुमाला द्वारा निर्देशित और श्री श्रावंती मूवीज द्वारा निर्मित है। इसमें निवेदा पेथुराज, मलविका शर्मा और अमृता अय्यर के साथ राम पोची ने दोहरी भूमिका है भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। तमिल फिल्म तड़म 2019 की रीमेक है। यह एक हत्या की जांच का अनुसरण करती है, जिसमें एक सिविल इंजीनियर और उसके हमशकल को प्रमुख संदिग्धों के रूप में शामिल किया गया है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2 में की गई थी। इसकी मुख्य शूटिंग नवंबर 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। अधिकांश फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में की गई थी। दो गानों को छोड़कर जो इटली में शूट किए गए थे। रेड में संगीत मनी शर्मा ने दिया है, जबकि समीर रेड्डी और जुनेद सिद्दीकी ने क्रमश छायांकन और संपादन किए हैं। यह फिल्म 14 जनवरी 2021 को संक्रांति के अवसर पर कोविड 19 महामारी के कारण 9 अप्रैल 2020 की प्रारंभ रिलीज की तारीख से देरी होने के बाद रिलीज हुई थी।
तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो राम पुतिनी सिद्धार्थ और आदित्य के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। निवेथम पेथुराज एस आई यामिनी के रूप में है और महिमा के रूप में मालविका शर्मा सिद्धार्थ की प्रेमिका है और गायत्री के रूप में अमृता अय्यर आदित्य की प्रेमिका है। संपत राज सी आई नागेंद्र के रूप में है और वेनेला किशोर फोरेंसिक अधिकारी पुरुषोत्तम के रूप में है और एमिनी के एक तरफ प्रेमी है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 13 मार्च 2019 को श्री श्रवंती मूवीज़ के निर्माता श्रवण रवि किशोर ने अरुण विजय स्टारर थमन 2019 के रीमेक अधिकार खरीदे, जिसमें राम पुतिनी मुख्य भूमिका में है। हालांकि उन्होंने फिल्म के लिए अपनी अंतिम कॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि वह गोवा में फिल्म स्मार्ट शंकर 2019 की शूटिंग में व्यस्त थे, जिसे अभी तमिल फिल्म भी देखना बाकी है। हालांकि यह अफवाह थी कि इसके मूल समकक्ष किन निर्देशक मगिज थिरुमेनु इसके तेलुगु रीमेक का निर्देशन करना चाहते थे। किशोर तिरुमाला को इस परियोजना को चलाने के लिए साइन किया गया था। नेनु शैलजा 2016 के और रुद्राधिकारी कोकाटे जिंदगी 2017 के बाद यह फिल्म राम और तिरुमाला के तीसरे सहयोग को चाहते करते हैं। तो बात करें मूवी की फिल्म के बारे में, तो फिल्म को 30 अक्टूबर 2019 को हैदराबाद के एक स्टूडियो में लॉन्च किया गया था और पूरे जगन्नाथ और चारमा में और कोर ने फिल्म के पहले शॉट पर ताली बजाई थी। हालांकि निर्माताओं ने घोषणा कि फिल्म की शूटिंग 16 नवंबर 2019 से शुरू होंगी। फिल्मांकन 2 दिन पहले शुरू हुआ था। फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफर पीटर हेन ने किया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम मोनी शर्मा द्वारा रचित है, जबकि जिसके बोल श्रीवेनेला सीताराम शास्त्री कसारालाम श्याम और कल्याण चक्रवर्ती द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म शर्मा का किशोर तिरुमाला के साथ सहयोग है और आईए स्मार्ट शंकर 2019 के बाद राम के साथ दूसरा सहयोग है। तो बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो रेट को शुरू में 9 अप्रैल 2020 को पर थिएटर्स के रूप में रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड 19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। ऐसे अफवाह सामने आ रही थी कि फिल्म का प्रीमियम एक ओवर द टॉप मीडिया सर्विस OTT पर हो सकता है। हालांकि राम ने पुष्टि की कि फिल्म एक थिएटर्स के रूप में रिलीज होंगी। रेट 1 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की अपराध थ्रिलर फिल्म है, मतलब जो किशोर तिरुमाला द्वारा निर्देशित और श्री श्रावंती मूवीज द्वारा निर्मित है। इसमें निवेदा पेथुराज मलविका शर्मा और अमृता अय्यर के साथ राम पुतिनी दोहरी भूमिका है भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। तमिल फिल्म तड़म 2019 की रीमेक है। यह एक हत्या की जांच का अनुसरण करती है, जिसमें एक सिविल इंजीनियर और उसके हमशक्ल को प्रमुख
संदिग्धों के रूप में शामिल किया गया है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2 में की गई थी। इसकी मुख्य शूटिंग नवंबर 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। अधिकांश फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में की गई थी। दो गानों को छोड़कर जो इटली में शूट किए गए थे, रेड में संगीत मनी शर्मा ने दिया है, जबकि समीर रेड्डी और जुनेद सिद्दीकी ने क्रमशः छायांकन और संपादन किए हैं। यह फिल्म 14 जनवरी 2021 को संक्रांति के अवसर पर कोविड 19 महामारी के कारण 9 अप्रैल 2020 की प्रारंभ रिलीज की तारीख से देरी होने के बाद रिलीज हुई थी। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रामपुतिनी सिद्धार्थ और आदित्य के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। निवेथम पेथुराज एस आई यामिनी के रूप में है और महिमा के रूप में मालविका शर्मा सिद्धार्थ की प्रेमिका है और गायत्री के रूप में अमृता अय्यर आदित्य की प्रेमिका है। संपत राज सी आई नागेंद्र के रूप में है और वेनेला किशोर फोरेंसिक अधिकारी पुरुषोत्तम के रूप में है और एमिनी के एक तरफ प्रेमी है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 13 मार्च 2019 को श्री श्रवंती मूवीज़ के निर्माता श्रवण रवि किशोर ने अरुण विजय स्टारर थमन 2019 के रीमेक अधिकार खरीदे, जिसमें रामपुती ने मुख्य भूमिका में है। हालांकि उन्होंने फिल्म के लिए अपनी अंतिम कॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि वह गोवा में फिल्म स्मार्ट शंकर 2019 की शूटिंग में व्यस्त थे, जिसे अभी तमिल फिल्म भी देखना बाकी है। हालांकि यह अफवाह थी कि इसके मूल समकक्ष के निर्देशक मगिज थिरुमेनु इसके तेलुगु रीमेक का निर्देशन करना चाहते थे। किशोर तिरुमाला को इस परियोजना को चलाने के लिए साइन किया गया था। नेनु शैलजा 2016 और रुद्राधिकारी कोकाटे जिंदगी 2017 के बाद यह फिल्म राम और तिरुमाला के तीसरे सहयोग को चाहते करते हैं। तो बात करें मूवी की फिल्म के बारे में, तो फिल्म को 30 अक्टूबर 2019 को हैदराबाद के एक स्टूडियो में लॉन्च किया गया था और पूरी जगन्नाथ और चारमा में और कोर ने फिल्म के पहले शॉट पर ताली बजाई थी। हालांकि निर्माताओं ने घोषणा की फिल्म की शूटिंग 16 नवंबर 2019 से शुरू होंगी। फिल्मांकन 2 दिन पहले शुरू हुआ था। फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफर पीटर हेन ने किया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम मनी शर्मा द्वारा रचित है, जबकि जिसके बोल श्रीवेनेला सीताराम शास्त्री कसारालाम श्याम और कल्याण चक्रवर्ती द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म शर्मा का किशोर तिरुमाला के साथ सहयोग है और स्मार्ट शंकर 2019 के बाद राम के साथ दूसरा सहयोग है। तो बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो रेट को शुरू में 9 अप्रैल 2020 को पर थिएटर्स के रूप में रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड 19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। ऐसे अफवाह सामने आ रही थी कि फिल्म का प्रीमियम एक ओवर द टॉप मीडिया सर्विस OTT पर हो सकता है। हालांकि राम ने पुष्टि की कि फिल्म एक
थिएटर्स के रूप में रिलीज होंगी। रेट 1 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की अपराध थ्रिलर फिल्म है, मतलब जो किशोर तिरुमाला द्वारा निर्देशित और श्री श्रावंती मूवीज द्वारा निर्मित है। इसमें निवेदा पेथुराज, मलविका शर्मा और अमृता अय्यर के साथ राम पोची ने दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। तमिल फिल्म तड़म 2019 की रीमेक है। यह एक हत्या की जांच का अनुसरण करती है जिसमें एक सिविल इंजीनियर और उसके हमशकल को प्रमुख संदिग्धों के रूप में शामिल किया गया है। तो फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2 में की गई थी। इसकी मुख्य शूटिंग नवंबर 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। अधिकांश फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में की गई थी। दो गानों को छोड़कर जो इटली में शूट किए गए थे। रेड में संगीत मनीष शर्मा ने दिया है जबकि समीर रेड्डी और जुनेद सिद्दीकी ने क्रमश छायांकन और संपादन किए हैं। यह फिल्म 14 जनवरी 2021 को संक्रांति के अवसर पर COVID-19 महामारी के कारण 9 अप्रैल 2020 की प्रारंभ रिलीज की तारीख से देरी होने के बाद रिलीज हुई थी। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राम पोती ने सिद्धार्थ और आदित्य के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। निवेदा पेथुराज SI यामिनी के रूप में है और महिमा के रूप में मालविका शर्मा सिद्धार्थ की प्रेमिका है और गायत्री के रूप में अमृता अय्यर आदित्य की प्रेमिका है। संपत राज CI नागेंद्र के रूप में है और वेनेला किशोर फोरेंसिक अधिकारी पुरुषोत्तम के रूप में है और एमिनी के एक तरफ प्रेमी है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो 13 मार्च 2019 को श्री श्रवंती मूवीज के निर्माता श्रवण रवि किशोर ने अरुण विजय स्टारर थमन 2019 के रीमेक अधिकार खरीदे जिसमें राम पोती ने मुख्य भूमिका में ने। हालांकि उन्होंने फिल्म के लिए अपनी अंतिम कॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे क्योंकि वह गोवा में फिल्म स्मार्ट शंकर 2019 की शूटिंग में व्यस्त थे जिसे अभी तमिल फिल्म भी देखना बाकी है। हालांकि यह अफवाह थी कि इसके मूल समकक्ष के निर्देशक मगिज थिरुमेनु इसके तेलुगु रीमेक का निर्देशन करना चाहते थे। किशोर तिरुमाला को इस परियोजना को चलाने के लिए साइन किया गया था। नेनू शैलजा 2016 के और रुद्राधिकारी कोकाटे जिंदगी 2017 के बाद यह फिल्म राम और तिरुमाला के तीसरे सहयोग को चाहते करते हैं। तो बात करें मूवी की फिल्म के बारे में तो फिल्म को 30 अक्टूबर 2019 को हैदराबाद के एक स्टूडियो में लॉन्च किया गया था और पूरे जगन्नाथ और चारमो में और कोर ने फिल्म के पहले शॉट पर ताली बजाई थी। हालांकि निर्माताओं ने घोषणा की फिल्म की शूटिंग 16 नवंबर 2019 से शुरू होंगी। फिल्मांकन 2 दिन पहले शुरू हुआ था। फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफर पीटर हेन ने किया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम मनी शर्मा द्वारा रचित है जबकि जिसके बोल श्रीवेनेला सीताराम शास्त्री
कसाराम श्याम और कल्याण चक्रवर्ती द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म शर्मा का किशोर तिरुमाला के साथ सहयोग है। और आइए स्मार्ट शंकर 2019 के बाद राम के साथ दूसरा सहयोग है। तो बात करें मूवी की रिलीज डेट के बारे में, तो रेट को शुरू में 9 अप्रैल 2020 को पर थिएटर्स के रूप में रिलीज़ करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। ऐसे अफवाह सामने आ रही थी कि फिल्म का प्रीमियम एक ओवर द टॉप मीडिया सर्विस OTT पर हो सकता है। हालांकि राम ने पुष्टि की कि फिल्म एक थिएटर्स के रूप में रिलीज होंगी। रेट 1 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की अपराध थ्रिलर फिल्म है, मतलब जो किशोर तिरुमाला द्वारा निर्देशित और श्री श्रावंती मूवीज द्वारा निर्मित है। इसमें निवेदा पेथुराज, मलविका शर्मा और अमृता अय्यर के साथ राम पोची ने दोहरी भूमिका है भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। तमिल फिल्म तड़म 2019 की रीमेक है। यह एक हत्या की जांच का अनुसरण करती है, जिसमें एक सिविल इंजीनियर और उसके हमशकल को प्रमुख संदिग्धों के रूप में शामिल किया गया है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2 में की गई थी। इसकी मुख्य शूटिंग नवंबर 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। अधिकांश फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में की गई थी। दो गानों को छोड़कर जो इटली में शूट किए गए थे। रेड में संगीत मनीष शर्मा ने दिया है, जबकि समीर रेड्डी और जुनेद सिद्दकी ने क्रमश छायांकन और संपादन किए हैं। यह फिल्म 14 जनवरी 2021 को संक्रांति के अवसर पर कोविड-19 महामारी के कारण 9 अप्रैल 2020 की प्रारंभ रिलीज की तारीख से देरी होने के बाद रिलीज हुई थी। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो राम पोची ने सिद्धार्थ और आदित्य के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। निवेदा पेथुराज SI यामिनी के रूप में है और महिमा के रूप में मालविका शर्मा सिद्धार्थ की प्रेमिका है और गायत्री के रूप में अमृता अय्यर आदित्य की प्रेमिका है। संपत राज CI नागेंद्र के रूप में है और वेनेला किशोर फोरेंसिक अधिकारी पुरुषोत्तम के रूप में है और एमिनी के एक तरफ प्रेमी है। तो बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 13 मार्च 2019 को श्री श्रवंती मूवीज के निर्माता श्रवण रवि किशोर ने अरुण विजय स्टारर थमन 2019 के रीमेक अधिकार खरीदे, जिसमें राम पोची ने मुख्य भूमिका में है। हालांकि उन्होंने फिल्म के लिए अपनी अंतिम कॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि वह गोवा में फिल्म स्मार्ट शंकर 2019 की शूटिंग में व्यस्त थे, जिसे अभी तमिल फिल्म भी देखना बाकी है। हालांकि यह अफवाह थी कि इसके मूल समकक्ष के निर्देशक मगीज थिरुमेन इसके तेलुगु रीमेक का निर्देशन करना चाहते थे। किशोर तिरुमाला को इस परियोजना को चलाने के लिए साइन किया गया था। नेनू शैलजा 2016 के और रुद्राधिकारी कोकाटे जिंदगी 2017 के बाद यह फिल्म राम और तिरुमाला के तीसरे सहयोग को चाहते करते हैं।
तो बात करें मूवी की फिल्म के बारे में, तो फिल्म को 30 अक्टूबर 2019 को हैदराबाद के एक स्टूडियो में लॉन्च किया गया था और पूरी जगन्नाथ और चारमों में और कोर ने फिल्म के पहले शॉट पर ताली बजाई थी। हालांकि निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म की शूटिंग 16 नवंबर 2019 से शुरू होंगी। फिल्मांकन 2 दिन पहले शुरू हुआ था। फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफर पीटर हेन ने किया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम मोनी शर्मा द्वारा रचित है, जबकि जिसके बोल श्रीवेनेला सीताराम शास्त्री, कसाराम श्याम और कल्याण चक्रवर्ती द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म शर्मा का किशोर तिरुमाला के साथ सहयोग है। और आइए स्मार्ट शंकर 2019 के बाद राम के साथ दूसरा सहयोग है। तो बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो रेट को शुरू में 9 अप्रैल 2020 को पर थिएटर्स के रूप में रिलीज़ करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड 19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इसे अफवाह सामने आ रही थी कि फिल्म का प्रीमियम एक ओवर द टॉप मीडिया सर्विस OTT पर हो सकता है। हालांकि राम ने पुष्टि की कि फिल्म एक थिएटर्स के रूप में रिलीज़ होंगी। रेट एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की अपराध थ्रिलर फिल्म है, मतलब जो किशोर तिरुमाला द्वारा निर्देशित और श्री श्रावंती मूवीज द्वारा निर्मित है। इसमें निवेदा पेथुराज, मलविका शर्मा और अमृता अय्यर के साथ रामपोची ने दोहरी भूमिका है भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। तमिल फिल्म तड़म 2019 की रीमेक है। यह एक हत्या की जांच का अनुसरण करती है, जिसमें एक सिविल इंजीनियर और उसके हमशकल को प्रमुख संदिग्धों के रूप में शामिल किया गया है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2 में की गई थी। इसकी मुख्य शूटिंग नवंबर 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। अधिकांश फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में की गई थी। दो गानों को छोड़कर जो इटली में शूट किए गए थे। रेड में संगीत मनी शर्मा ने दिया है, जबकि समीर रेड्डी और जुनेद सिद्दकी ने क्रमश छायांकन और संपादन किए हैं। यह फिल्म 14 जनवरी 2021 को संक्रांति के अवसर पर कोविड 19 महामारी के कारण 9 अप्रैल 2020 की प्रारंभ रिलीज की तारीख से देरी होने के बाद रिलीज हुई थी। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रामपोती ने सिद्धार्थ और आदित्य के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। निवेथम पेथुराज SI यामिनी के रूप में है और महिमा के रूप में मालविका शर्मा सिद्धार्थ की प्रेमिका है और गायत्री के रूप में अमृता अय्यर आदित्य की प्रेमिका है। संपत राज CI नागेंद्र के रूप में है और वेनेला किशोर फोरेंसिक अधिकारी पुरुषोत्तम के रूप में है और एमिनी के एक तरफ प्रेमी हैं। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 13 मार्च 2019 को श्री श्रवंती मूवीज के निर्माता श्रवण रवि किशोर ने अरुण विजय स्टारर थमन 2019 के रीमेक अधिकार खरीदे, जिसमें रामपोती ने मुख्य भूमिका में है। हालांकि उन्होंने फिल्म के लिए अपनी अंतिम कॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि वह गोवा में
फिल्म स्मार्ट शंकर 2019 की शूटिंग में व्यस्त थे, जिसे अभी तमिल फिल्म भी देखना बाकी है। हालांकि यह अफवाह थी कि इसके मूल समकक्ष किन निर्देशक मगिज थिरुमेन इसके तेलुगु रीमेक का निर्देशन करना चाहते थे। किशोर तिरुमाला को इस परियोजना को चलाने के लिए साइन किया गया था। नेनु शैलजा 2016 के और रुद्राधिकारी कोकाटे जिंदगी 2017 के बाद यह फिल्म राम और तिरुमाला के तीसरे सहयोग को चाहते करते हैं। तो बात करें मूवी की फिल्म के बारे में, तो फिल्म को 30 अक्टूबर 2019 को हैदराबाद के एक स्टूडियो में लॉन्च किया गया था और पूरे जगन्नाथ और चारमो में और कोर ने फिल्म के पहले शॉट पर ताली बजाई थी। हालांकि निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म की शूटिंग 16 नवंबर 2019 से शुरू होंगी। फिल्मांकन 2 दिन पहले शुरू हुआ था। फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफर पीटर हेन ने किया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम मोनी शर्मा द्वारा रचित है, जबकि जिसके बोल श्रीवेनेला सीताराम शास्त्री कसारालाम श्याम और कल्याण चक्रवर्ती द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म शर्मा का किशोर तिरुमाला के साथ सहयोग है और आई स्मार्ट शंकर 2019 के बाद राम के साथ दूसरा सहयोग है। तो बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो रेट को शुरू में 9 अप्रैल 2020 को पर थिएटर्स के रूप में रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड 19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। ऐसे अफवाह सामने आ रही थी कि फिल्म का प्रीमियम एक ओवर द टॉप मीडिया सर्विस OTT पर हो सकता है। हालांकि राम ने पुष्टि की कि फिल्म एक थिएटर्स के रूप में रिलीज होंगी। रेट 1 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की अपराध थ्रिलर फिल्म है, मतलब जो किशोर तिरुमाला द्वारा निर्देशित और श्री श्रावंती मूवीज द्वारा निर्मित है। इसमें निवेदा पेथुराज, मलविका शर्मा और अमृता अय्यर के साथ राम पोची ने दोहरी भूमिका है भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। तमिल फिल्म तड़म 2019 की रीमेक है। यह एक हत्या की जांच का अनुसरण करती है, जिसमें एक सिविल इंजीनियर और उसके हमशकल को प्रमुख संदिग्धों के रूप में शामिल किया गया है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2 में की गई थी। इसकी मुख्य शूटिंग नवंबर 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। अधिकांश फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में की गई थी। दो गानों को छोड़कर जो इटली में शूट किए गए थे। रेड में संगीत मनी शर्मा ने दिया है, जबकि समीर रेड्डी और जुनेद सिद्दीकी ने क्रमश छायांकन और संपादन किए हैं। यह फिल्म 14 जनवरी 2021 को संक्रांति के अवसर पर कोविड 19 महामारी के कारण 9 अप्रैल 2020 की प्रारंभ रिलीज की तारीख से देरी होने के बाद रिलीज हुई थी। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो राम पोती ने सिद्धार्थ और आदित्य के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। निवेदाम पेथुराज SI यामिनी के रूप में है और महिमा के रूप में
मालविका शर्मा सिद्धार्थ की प्रेमिका है और गायत्री के रूप में अमृता अय्यर आदित्य की प्रेमिका है। संपत राज CI नागेंद्र के रूप में है और वेनेला किशोर फोरेंसिक अधिकारी पुरुषोत्तम के रूप में है और एमिनी के एक तरफ प्रेमी है। तो बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 13 मार्च 2019 को श्री श्रवंती मूवीज़ के निर्माता श्रवण रवि किशोर ने अरुण विजय स्टारर थमन 2019 के रीमेक अधिकार खरीदे, जिसमें रामपुती ने मुख्य भूमिका में है। हालांकि उन्होंने फिल्म के लिए अपनी अंतिम कॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे क्योंकि वह गोवा में फिल्म स्मार्ट शंकर 2019 की शूटिंग में व्यस्त थे, जिसे अभी तमिल फिल्म भी देखना बाकी है। हालांकि यह अफवाह थी कि इसके मूल समकक्ष किन निर्देशक मगिज थिरुमेनु इसके तेलुगु रीमेक का निर्देशन करना चाहते थे। किशोर तिरुमाला को इस परियोजना को चलाने के लिए साइन किया गया था। नेनु शैलजा 2016 के और रुद्राधिकारी कोकाटे जिंदगी 2017 के बाद यह फिल्म राम और तिरुमाला के तीसरे सहयोग को चाहते करते हैं। तो बात करें मूवी की फिल्म के बारे में, तो फिल्म को 30 अक्टूबर 2019 को हैदराबाद के एक स्टूडियो में लॉन्च किया गया था और पूरी जगन्नाथ और चारमा में और कोर ने फिल्म के पहले शॉट पर ताली बजाई थी। हालांकि निर्माताओं ने घोषणा कि फिल्म की शूटिंग 16 नवंबर 2019 से शुरू होंगी। फिल्मांकन 2 दिन पहले शुरू हुआ था। फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफर पीटर हेन ने किया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम मोनी शर्मा द्वारा रचित है, जबकि जिसके बोल श्रीवेनेला सीताराम शास्त्री कसारालाम श्याम और कल्याण चक्रवर्ती द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म शर्मा का किशोर तिरुमाला के साथ सहयोग है और स्मार्ट शंकर 2019 के बाद राम के साथ दूसरा सहयोग है। तो बात करें मूवी की रिलीज डेट के बारे में, तो रेट को शुरू में 9 अप्रैल 2020 को पर थिएटर्स के रूप में रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। ऐसे अफवाह सामने आ रही थी कि फिल्म का प्रीमियम एक ओवर द टॉप मीडिया सर्विस OTT पर हो सकता है। हालांकि राम ने पुष्टि की कि फिल्म एक थिएटर्स के रूप में रिलीज होंगी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो आपको कैसे लगा? वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।